मेरे पास दोस्तों अभी जो मॉडल है वो स्नाइडर का 312 312। तो मैं आज आपको इसकी पोर्ट के कनेक्शन, एक्सटर्नल पोर्ट के वायरिंग का पैरामीटर बताऊंगा। तो देख सकते हैं जैसे कि डिस्प्ले पे रेडी लिखा हुआ है। सबसे पहले हम मोड लगाएंगे, मोड दबा के एंटर करेंगे इसके पोर्ट में, बीच में से दबाते हैं तो एंटर हो जाता है। तो फिर इसको स्लोली स्लोली राउंड अप करेंगे, घुमाएंगे तो आप सी ई एल और आएगा, उसके बाद एंटर करेंगे, फिर एक बार फिर घुमाएंगे एफ आर एल है, इसको वापस हम एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं ये पोर्ट का पैरामीटर है। बहुत ही ईजी पैरामीटर है। ए आई वन पोर्ट के लिए है। और इसी तरह हम अगर इसको राउंड अप करेंगे, घुमाते रहेंगे, तो और भी अलग अलग इस पर पैरामीटर है, जैसे AI 2 3 4 लोकल मोड वगैरह सारे, यानी VFD की पोर्ट कैसे काम करवानी है, या एक्सटर्नल पोर्ट कोई और लगाते हैं तो किस तरह काम करती हैं। तो AI1 पोर्ट के लिए हम इसको AI1 एंटर कर देंगे। आप देख सकते हैं अब एंटर करने के बाद ये हमारी पोर्ट कनेक्ट हो गई। अब इसको हम जैसे ही VFD को रन कमांड देंगे 24 से L1 को शॉर्ट करने पर, मोटर रन कमांड देने के बाद आप देख सकते हैं ये हमारे VFD में फ्रिक्वेंसी अप डाउन होने लग गई है, मोटर रन होने लग गई है। तो बहुत ही ईजी था। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं स्नाइडर ATV 312 312 मॉडल में पोर्ट को कैसे अपग्रेड करें, एक्सटर्नल पोर्ट कैसे लगाएं।